Hello guys, this is Raju here. So someone asked me a question to write a program about deuterium number. Okay, write a program to check deuterium number. So let me do it very quickly. Question is, write a program to check deuterium number. So it might be स्पेलिंग ऑफ डिसेरियम इज रॉन्ग, सो डोंट वरी, वो सही कर लेना, उससे मतलब नहीं है. प्रोग्राम देखते हैं. डिसेरियम नंबर होता क्या है? अगर कोई भी नंबर है जैसे 89, अगर इस नंबर के सारे डिजिट्स में जिस प्लेस पे है वो नंबर, वो उसका पावर लगा देते हैं और आपस में सम कर देते हैं, और अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर आ गया तो उसको हम डिसेरियम नंबर बोलेंगे. जैसे 8, नंबर में 8 फर्स्ट नंबर पे है तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 8 to the power 1. देन प्लस 9 किस नंबर पे है? सेकंड नंबर पे. 9 का पावर क्या हो जाएगा? 2. अब कैलकुलेट करते हैं, अगर 89 के बराबर आ गया तो 89 क्या कहलाएगा? डिसेरियम नंबर. सो 8 to the power 1 क्या होगा? 8 प्लस 9 to the power 2 कितना होगा? 81. ओके, इक्वल्स टू कितना हो गया? 89. तो 89 के सारे डिजिट्स का हमने पावर कैलकुलेट करके आपस में सम कर दिया तो कितना आया? 89 के बराबर आया. दैट मीन्स 89 क्या है? डिसेरियम नंबर. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 175. सो 1 का पावर क्या होगा? 1 ही होगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है. देन प्लस 7 किस पोजीशन पे है? राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन काउंट करो, 7 सेकंड पोजीशन पे है तो पावर क्या होगा? 2. देन प्लस 5 to the power 3 थर्ड पोजीशन पे है. अब कैलकुलेट करो, 1 to the power 1 प्लस 7 to the power कितना होगा? 7 7 जा 49 प्लस 5 to the power 3 कितना होता है? 5 5 जो 25 एंड 25 into 5 125 इक्वल्स टू कितना होगा? 125. 49 plus 1 50 और 50 plus 1 125 175. सो ये 175 के बराबर आया. दैट मीन्स 175 क्या है? हमारा डिसेरियम नंबर है. ओके, सो अब इसको अब प्रोग्राम कर लेते हैं. सो हमें यहाँ पे एक नंबर रीड करना है, इनपुट लेना है. सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, लेट्स क्रिएट आवर क्लास. क्लास का नाम मैं देता हूँ डिसेरियम, क्योंकि डिसेरियम नाम से मेरा प्रोग्राम सेफ है. लेट मी रिपीट अगेन, स्पेलिंग डिसेरियम का मे भी गलत हो, आई डोंट नो, सही कर लेना. मेन मेथड बना लेते हैं. अब स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बिकॉज हमें इनपुट लेना है. सो स्कैनर एस सी असाइन विथ न्यू स्कैनर, देन इन पैरेंथिसिस सिस्टम डॉट इन. ओके, एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे int num, जिसमें हम नंबर इनपुट लेंगे. एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट, जिसमें 0 स्टोर कर लेते हैं. एक वेरिएबल ले लेते हैं हम रैम. एक वेरिएबल ले लेते हैं हम n1 और एक वेरिएबल ले लेते हैं हम सम, और सम में 0 स्टोर कर लेते हैं. ओके, सो ये हो गया. अब एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंटर द नंबर. सो ये हमारा मैसेज है. नाउ इनपुट ले लेते हैं. सो नम असाइन विद एस सी डॉट नेक्स्ट int. ओके, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? काउंट कर लेंगे नंबर में कितना डिजिट है. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे सपोज यूजर ने नंबर एंटर किया 175, तो कितना डिजिट है टोटल? 3 डिजिट है. ठीक है, तो 5 जो सबसे लास्ट वाला नंबर है, इसका पावर कितना होगा? 5 का 3. मतलब लास्ट वाले डिजिट पे उतना ही पावर होगा जितना डिजिट है टोटल. जैसे सपोज नंबर है 5248, तो टोटल कितना डिजिट है? 4. तो लास्ट वाला जो डिजिट है 8, इस पे पावर कितना होगा? 4. तो हमें काउंट पहले करना पड़ेगा नंबर में कितना डिजिट है. तो सपोज यूजर ने 175 एंटर किया है, हम एग्जांपल सब मान लेते हैं 175. तो हम यहाँ एक वाइल लूप लगाएंगे. वाइल हमारा नंबर किस में है? नम में. सो नम ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब यहाँ पे num असाइन विथ num डिवाइडेड बाई 10, इससे क्या होगा?
हर बार एक डिजिट कम होता जाएगा नंबर में, ठीक है? और फिर हर बार हम काउंट, जो वेरिएबल मैंने लिया है यहाँ पे काउंट असाइन विद जीरो, काउंट को हर बार एक इंक्रीज करेंगे। सो काउंट प्लस प्लस, जब ये पूरा लूप का एग्जीक्यूशन ख़त्म होगा तो नंबर में जितना डिजिट होगा हमें पता चल जाएगा, काउंट में वैल्यू आ जाएगी। कैसे? जैसे 175 है तो नम में 175 है, नम ग्रेटर देन जीरो कंडीशन ट्रू, इंटरप्रेटर अंदर आएगा। अब इस एक्सप्रेशन में पहले राइट हैंड साइड वाला एग्जीक्यूट होगा नम अपॉन 10, तो नम में कितना है 175, 175 अपॉन 10 कितना आएगा, अगर 175 में हम 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 17.5, ठीक है? और नम में स्टोर कितना होगा, नम में 17 स्टोर होगा, 0.5 स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नम किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। देखो नम के पहले int लिखा है, मतलब नम अपने अंदर सिर्फ इंटीजर स्टोर करता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है पॉइंट वाला पार्ट वो अपने अंदर से हटा देगा। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा काउंट प्लस प्लस, तो प्लस प्लस वैल्यू को एक बढ़ाता है, काउंट में कितना था जीरो, तो बढ़ के कितना हो जाएगा वन। फिर कंप्यूटर कंडीशन पे आएगा, सो नम ग्रेटर देन जीरो, अब नम में कितना है, अब नम में 17 है, सो 17 ग्रेटर देन जीरो कंडीशन ट्रू। फिर कंप्यूटर अंदर आएगा इंटरप्रेटर, सो नम अपॉन 10, नम में कितना है इस बार 17, सो 17 अपॉन 10 क्या होगा, 17 अपॉन 10 होगा 1.7। सो नम में स्टोर कितना हो जाएगा, नम में 1 स्टोर होगा, 0.7 हट जाएगा। सो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पिछली बार 1 हुई थी ना, अब 1 के बाद फिर प्लस प्लस अब 2 हो जाएगी। तो देखो नंबर से अब तक दो डिजिट हटा है 7 और 5, और काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी है। फिर कंप्यूटर कंडीशन पे आएगा नम ग्रेटर देन जीरो, अब नम में 1 है, 1 ग्रेटर देन जीरो कंडीशन ट्रू, 1 अपॉन 10, सो 1 अपॉन 10 कितना आएगा, नॉर्मल मैथ्स 0.1, और इसको मैं भी बोल सकते हैं 0.1। सो नम में कितना स्टोर होगा, नम में आएगा 0, क्योंकि वो इंटीजर अपने अंदर स्टोर करेगा। फिर काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 थी अब 3 हो जाएगी। फिर कंडीशन पे आया तो नम ग्रेटर देन जीरो, नम में 0 है, सो 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर आ जाएगा। तो कितना डिजिट था हमको पता चल गया, काउंट प्लस प्लस में 3 आ गया है, क्योंकि हमारे नंबर में 3 डिजिट था। अगर नंबर में 4 डिजिट होता तो काउंट में कितना आता, 4 आता, 10 डिजिट होता तो 10 आता। अब हमें करना क्या है, नंबर्स के सारे डिजिट को प्लस, उस पर पावर लगाने के बाद प्लस करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, लूप एग्जीक्यूट होने के बाद नम हमारा 0 हो जाएगा, बट ओरिजिनल नंबर तो हमें इस लूप के बाद भी चाहिए। तो जब मैंने n1 नाम का वेरिएबल लिया है, n1, इसमें नम को स्टोर कर लेते हैं, यानी यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा नम में, वो वेरिएबल हमारा अपने आप n1 में भी स्टोर हो जाएगा। यानी 175 यूजर ने नम में एंटर किया तो 175 n1 में भी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और लूप चलाते हैं हम, वाइल, अब नम तो 0 हो चुका है लेकिन सेम नंबर ओरिजिनल नंबर n1 में है, n1 ग्रेटर देन 0। अब पहला काम करते हैं, नंबर का लास्ट डिजिट हम फाइंड करते हैं। जैसे अगर यूजर ने 175 एंटर किया है तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 5, ठीक है? और 5 पे कितना पावर लगाएंगे, 3, क्योंकि कितना डिजिट है 3। और फिर 7 पे कितना पावर लगाना होगा, 2, और 1 पे 1। तो लास्ट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, रैम असाइन विथ, नंबर किस में है, n1 में, सो n1 मॉड 10। सबको ये पता होगा मॉड जो है, मॉड हमें रिमाइंडर देता है, होपफुली सबको पता होगा। जैसे अगर मैंने लिखा 9 mod 5, ठीक है, तो 9 में 5 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा, आंसर 4 होगा। याद रखना ये डिवीजन का साइन नहीं है, ये मॉड है, रिमाइंडर देता है। उसी तरह अगर मैंने लिखा 14 mod 10, तो 14 mod 10 कितना आएगा, करके देखो, रिमाइंडर 4 आएगा। किसी भी नंबर में अगर हम 10 से लेंगे तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट आएगा, रूल याद रखना। तो n1 में कितना है, हमने कितना माना है, 175 यूजर ने नम में एंटर किया था, सेम n1 में भी स्टोर हो गया। तो यहाँ पे नम का यूज करने हमने डिजिट हमने काउंट कर लिया, बट n1 में तो अभी भी ओरिजिनल नंबर है। सो n1 ग्रेटर देन 0 यानी 175 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू। अब यहाँ देखो 175 मॉड 10, तो 175 मॉड 10 कितना आएगा, 5 आएगा रैम में, मैंने अभी बताया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे सम असाइन विद सम प्लस मैथ डॉट पावर। पावर एक फंक्शन है जो करता क्या है, इसको दो वैल्यू हम देते हैं, पहली वैल्यू जो होती है वो बेस होती है और दूसरी वैल्यू जो होती है वो पावर होती है।
ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा डबल बी, एक बात एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई डब ए जो मैट डॉट पावर होता है ये हमेशा वैल्यू पॉइंट के फॉर्म में रिटर्न करता है, तो हमेशा इसको डबल टाइप के वेरिएबल में होल्ड करेंगे। यहाँ पे सम हमारा इंटीजर टाइप का है, अभी इसको मैं चेंज करूँगा, डबल बनाऊँगा। तो डबल बी असाइन विथ, मैं अगर लिखता हूँ मैथ डॉट पावर, तो यहाँ पावर फंक्शन को दो वैल्यू देना होगा, पहला वैल्यू जो मैं दूंगा वो बेस होगा और दूसरा वैल्यू पावर होगा 3। अब ये पावर फंक्शन करेगा क्या, 2 to the power 3 कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। तो 2 to the power 3 कितना होता है 8, तो ये कितना रिटर्न करेगा, बी में कितना स्टोर करेगा 8, एक्चुअली 8.0 करेगा। मैंने बोला ना ये हमेशा डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है पॉइंट में। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहला नंबर मैं पास करता हूँ 4 और दूसरा पास करता हूँ 2, तो 4 to the power 2 कितना होता है 16, तो कितना रिटर्न करेगा 16.0 बी में रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एक पावर फंक्शन क्लियर हो गया। सो यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन में मैंने मैट डॉट पावर का यूज़ किया है, तो एक किस टाइप की वैल्यू देगा, डबल टाइप की, मतलब पॉइंट वाला नंबर, और सम में क्या है इंटीजर है। सम में कुछ भी हो, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में डबल टाइप की वैल्यू है तो उस एक्सप्रेशन को हमेशा हम डबल टाइप के वेरिएबल में ही स्टोर करेंगे। ठीक है, तो काम करते हैं सम को यहाँ से हटा लेते हैं और सम को हम डबल टाइप का बना देते हैं। अगर किसी भी वेरिएबल में हमें पॉइंट वाला नंबर स्टोर करना है तो उसके पहले डबल लिखना होता है, और सम को 0.0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब ये सही है। अब इससे होगा क्या, देखो नम में 175 हमने माना है, सो 175 ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। 175 ग्रेटर देन 0 हमारा कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन हमारा ट्रू है। ठीक है, फिर 175 मॉड 10 कितना आएगा 5, रैम में क्या आ गया 5। अब देखो अब यहाँ पे पहले राइट हैंड साइड वाला एग्जीक्यूट होगा, तो सम सम में कितना है 0.0 और मैट डॉट पावर रैम काउंट, रैम में कितना है 5 और काउंट में कितना है 3, याद करो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट काउंट में 3 आया था, तो ये हमको कितना देगा 5 to the power 3। तो 5 to the power 3 कितना हुआ 125, सम में कितना है 0.0, सो 0.0 प्लस 125.0 कितना आएगा 125.0, यानी ये वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, सम में, यानी सम में कितना आ गया 125.0। ठीक है, तो लास्ट वाला डिजिट पे मैं पावर 3 करना था ना, हो गया। अब लास्ट वाला डिजिट का काम खत्म हो गया, उसको हटाना है, सो n1 असाइन विद n1/10, सेम कंसेप्ट जो मैंने ऊपर यूज किया था यहाँ पे नम असाइन विद नम अपॉन 10 में। तो n1 में कितना है 175 अपॉन 10 कितना आएगा 17.5, n1 में कितना स्टोर होगा 17। फिर यहाँ पे हम आएंगे, अब n1 में 17 है, 17 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, 17 मॉड 10 रैम में कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ देखो सम में कितना है, याद करो पिछली बार कितना स्टोर हुआ था 125, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और काम करना होगा, काउंट माइनस माइनस, काउंट को हर बार एक घटाना भी तो है, अगली बार पावर 2 करना होगा ना, तो जब लाइन एग्जीक्यूट होगी तो काउंट की वैल्यू 3 से 2 हो जाएगी, माइनस माइनस एक घटाता है। तो 70 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, 17 मॉड 10 रैम में कितना आएगा 7, फिर यहाँ पे मैट डॉट पावर रैम काउंट, रैम में कितना है 7 और काउंट में अब कितना है 2, तो 7 to the power 2। देखो यहाँ पे जो दूसरा डिजिट है हमारा 7, इस पे पावर 2 ही करना है ना, तो 7 to the power 2 कितना आएगा 49, तो ये 49 है इसमें, और सम में कितना है, सम में 125 है, तो 125.0 प्लस 49.0 कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 174.0, यानी सम में क्या स्टोर हो जाएगा 174.0। फिर n अपॉन 10, तो n1 में कितना है, n1 में 17 है, 17 अपॉन 10 क्या आएगा, 17 अपॉन 10 आएगा 1.7, तो n1 में क्या आ जाएगा, n1 में हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर काउंट माइनस माइनस, काउंट 2 था, माइनस माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे n1 में आएंगे, तो n1 में कितना है 1, तो 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, फिर कंप्यूटर अंदर आएगा। अब n1 मॉड 10, n1 में कितना है 1 है, और मॉड किससे ले रहे हैं 10 से। अब ये रूल याद रखना, हम जिस नंबर से मॉड ले रहे हैं और जिसमें मॉड ले रहे हैं, अगर इस नंबर से यानी 10 से छोटा है तो ये खुद ही रिमाइंडर हो जाता है। तो n1 में कितना है 1, 10 से छोटा है 1, तो n1 मॉड 10 कितना होगा 1 ही होगा, यानी रैम में क्या आ जाएगा 1। फिर
यहाँ पे आ जाओ हम, सम में कितना है हमारा, सम में 174 है, याद करो पिछली बार स्टोर हुआ था, प्लस अब यहाँ पे मैट डॉट पावर रैम कॉमा काउंट, तो रैम में अभी कितना स्टोर हुआ है 1, और काउंट में कितना है याद करो 1, तो 1 टू द पावर 1 कितना आएगा 1.0, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 175.0, यानी सम में क्या आ जाएगा 175.0, एन वन में कितना था 1, तो 1/10 कितना होगा 0.1, तो एन वन में क्या आएगा 0, और फिर काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बाद 0, फिर नाउ एन वन ग्रेटर देन 0, एन वन में कितना है 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स हो गया। तो सारे डिजिट का पावर निक करके एक्सपोनेंट करके उसका सम हमने निकाल लिया। अब सम किस में है, सम वेरिएबल में, चेक करना है ओरिजिनल नंबर की अगर ये बराबर है, ओरिजिनल नंबर मतलब जो यूजर एंटर किया था, तो नंबर क्या कहलाएगा, डिसेरियम नंबर। सो इफ सम इक्वल्स टू, ओरिजिनल नंबर किस में है, नम में तो है नहीं, नम जीरो हो चुका है इस लूप के बाद, एन वन में भी नहीं है, एन वन भी जीरो हो चुका है इस लूप के बाद, तो क्या करेंगे एक और यहाँ वेरिएबल दे दो एन वन के बाद एन टू, ठीक है, और ये जो मैंने एन वन में स्टोर किया है इसको एन टू में भी कर लो। हम इसको ऐसे कर सकते हैं एन टू असाइन विथ एन वन असाइन विथ नम, तो नम की जो वैल्यू हो एन वन एन टू दोनों में स्टोर हो जाएगी। तो अगर ये कंडीशन हमारा सम असाइन विथ किससे कंपेयर करेंगे एन टू से, अगर ट्रू हो गया तो क्या प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln डिसेरियम नंबर, ओके, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गया सो एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नॉट डिसेरियम नंबर। सो हमारा प्रोग्राम हो गया। तो हमने अगर नंबर 175 सपोज किया था, देखो हमने माना था 175 यूजर तो कुछ भी एंटर कर सकता है, तो 175 के केस में हमारा सम क्या आया था, सम वेरिएबल में 175 ही आया था 175.0, तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू हो जाएगा और कंप्यूटर क्या प्रिंट कर देगा, डिसेरियम नंबर, ठीक है। रन करके देखते हैं, सेव कर लेते हैं, रन करने के लिए हम ओपन करते हैं इसके, अब यहाँ पे रन कैसे करेंगे, जावा सी, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, डिसेरियम डॉट जावा, एंटर करते हैं, देखते हैं कोई एरर है कि नहीं, एरर है नॉट डिसेरियम नंबर के बाद मैंने सेमी कॉलन छोड़ा है, लगा लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, फिर से रन करता हूँ, ओके एरर नहीं है। अब रन करता हूँ जावा डिसेरियम, DISARIUM cannot find, I don't know क्यों आ रहा है, cannot find, शायद कुछ गलत तो नहीं है, ओके मैंने यहाँ पे लोअर केस में लिया है डी क्लास ने, मैंने बोला था ना जिस नाम से सेव है वही नाम होना चाहिए, देखो यहाँ डिसेरियम का डी कैपिटल है जिस नाम से सेव है, और मैंने यहाँ लोअर केस में ले लिया था इसलिए एरर आ रहा था। अगर पता होगा कि जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है तो तुम्हें समझ आ गया होगा। सो फिर से अब कंपाइल करना होगा, तो जावा सी डिसेरियम डॉट जावा, रन करते हैं जावा डिसेरियम, एंटर द नंबर, मैं देता हूँ 175, क्या आना चाहिए, दिस इज डिसेरियम नंबर, देखो आ गया डिसेरियम नंबर। फिर से रन करता हूँ, कुछ चेंज नहीं किया हूँ तो जावा सी वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एंटर करता हूँ 65, ये डिसेरियम नंबर नहीं है, देखो नॉट डिसेरियम नंबर, ओके। सो होप ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, थैंक यू वेरी मच।